हाँ देखो इधर, अभी हम क्या करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो बनाने का है, समझेगा ना? कौन सा लोगो बनाने का है? बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके लिए पहला लोगो को इंपोर्ट करना पड़ेगा। किधर से इंपोर्ट करोगे? और मैं किधर से इंपोर्ट करते हैं आपको, फाइल, फाइल में आके किधर आओगे? इंपोर्ट, बराबर है। अभी हमने सभी फोल्डर किधर, सभी इमेजेस किधर सेव कर दिए हैं? पहले कंप्यूटर में जाने का, उसके बाद किधर आओगे? डी ड्राइव, समझेगा? डी ड्राइव में किधर आओगे? इमेज फोल्डर में। किधर जाने का है? इमेज फोल्डर के अंदर। और इमेज फोल्डर में कौन सा फोल्डर मिलने वाला है? लोगो। एक सिलेक्ट करके क्या टाइप करोगे? एल टाइप करो। देखो आ रहा है लोगो फोल्डर, इसको इंपोर्ट करो। मतलब ओपन किया, अभी दिख रहा है अलग अलग लोगोज, समझे ना? जो भी लोगो चाहिए अभी देख सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कर दे इसको और बाद में क्या करोगे? इंपोर्ट आ गया। और बाद में क्या करने का? इधर एक बार क्लिक करो, देखो आ गया बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो, समझ रहे इतना? तो सबसे पहले गाइडलाइन को सेंटर में लाने का, मालूम है ना कैसे गाइडलाइन को सेंटर में लाते हैं? समझेगा इतना? इधर से पी बटन दबाने के सेंटर में आ गया, और लेफ्ट साइड से भी पी बटन दबा के सेंटर, और इधर से क्या करोगे? इसके ऊपर रख दो इधर प्रॉपर, आ गया, समझ रहे इतना? अभी बैंक का पड़ता, मैं देखो क्या किया है, एक अल्फाबेट निकाला है। कौन सा अल्फाबेट है वो? बी अल्फाबेट। कौन सा अल्फाबेट है? बी करके लिखा है ना, तो हम भी एक बार इधर टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल से इधर टाइप कर दिया, और क्या लिखोगे इधर? कैपिटल में बी लिखने का है, आ गया। अभी थोड़ा साइज बढ़ा दिया इधर से, है ना? पिक टूल से क्या कर दे, उसका साइज बढ़ा दिया, आ गया। कलर चाहे तो एक फिल करके रखो कोई भी, सपोज ये वाला कलर फिल कर दिया, बाद में क्या करने का है? अभी ये बीच वाला पोर्शन नहीं चाहिए ना इधर का, तो उसके लिए किधर जाओगे? पहले देखो, ध्यान रखो, पहले किधर जाने का? अरेंज, अरेंज में किधर जाओगे? कन्वर्ट टू कर्व, शॉर्टकट की ना कंट्रोल क्यू, आ गए। अभी एक एक पॉइंट को डिलीट करने का है, तो डिलीट करने के लिए क्या करते, थोड़ा जूम कर दे, मालूम है माउस का बीच वाला बटन घुमाने का, स्क्रॉल बटन, ये दिख रहा है? सेव टूल, सेव टूल से या तो एक एक पॉइंट को डिलीट करो, देखो कर दिया डिलीट, या फिर आप जैसे चाहिए वैसे सिलेक्ट करो, इधर से हो गए इतने सिलेक्ट, और डिलीट कर दो। इसको भी मैंने एक साथ सिलेक्ट कर दिया, आपने एक एक पॉइंट को डिलीट किया तो भी चलेगा, देखो हो गया डिलीट, बराबर है। बाद में बी लिखो, देखो जरा कैसे है, ये जो बी है थोड़ा क्या क्रॉस है ना, तो क्रॉस करने के लिए क्या करोगे? और एक बार क्लिक करो इसके ऊपर, आगे ऊपर इधर स्क्यू इफेक्ट, इससे थोड़ा क्रॉस करो, देखो हो गया क्रॉस, बन गया पहला। और इधर भी थोड़ा बी जैसे दिख रहा है ना सेप, तो हम क्या करेंगे, और एक बार उसका कॉपी पेस्ट करेंगे। इधर कॉपी पेस्ट लिखा, इधर कॉपी, बाद में क्या करोगे? पेस्ट करोगे, मतलब डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट हो गया ना उसके ऊपर, देखो अंडू करके देख लीजिए, तो हो गया पेस्ट। तो ये जो नया कॉपी पेस्ट हो गया उसका कलर चेंज करो थोड़ा, बराबर ना, कुछ भी कलर दो। और कीबोर्ड के ऊपर कौन सा बटन दबाने का है? लेफ्ट एरो, मालूम है ना? कीबोर्ड के ऊपर कौन सा बटन दबाओगे? लेफ्ट एरो से थोड़ा पीछे आएगा, देखो आ रहा पीछे, थोड़ा ऊपर के रहो इधर, इधर से दिखना चाहिए ना पॉइंट इधर का, देखो हो गया, समझ रहे इतना तक? अभी क्या करोगे, ये दोनों को कट करने का है, तो कट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते? दोनों को सिलेक्ट कर दिया, और कट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया था? ट्रिम, देखो हो गया कट, समझ रहे इतना? अभी चाहिए तो इसको भी कलर दे दे, आ गया। थोड़े टाइम के लिए क्या करोगे, इसको बाजू में खींचते थोड़ा। अभी कौन सा टूल लेने का? पेन टूल, समझे ना? ये देखो ये पॉइंट ड्रॉ करने का ना, तो उसके लिए कौन सा टूल यूज करोगे? पेन टूल, देखो दिख रहा था पेन टूल,
कितने पॉइंट ड्रॉ करने का, 5 पॉइंट। देखो 1 2 3, ऊपर की साइड में 3 पॉइंट है ना, और नीचे साइड में कितना पॉइंट है, 2, मतलब 5 पॉइंट ड्रॉ करने का है। किधर से ड्रॉ कर दिया, अंदर से इधर से ड्रॉ कर दिया, देखो हो गया पहला पॉइंट। इधर सिलेक्ट क्लिक करो, नीचे आने का, इधर हो गया फर्स्ट पॉइंट। इसे ड्रॉ करते जाओ एक एक पॉइंट, ये हो गया ऊपर के साइड में 3 पॉइंट। पहले कैसे भी पॉइंट दिया तो भी चलेगा, बाद में उसको एडजस्ट कर सकते हैं हम। अभी 5 पॉइंट हो गए ना, तो इसको नीचे से ज्वाइंट करने का। कैसे ज्वाइंट करोगे, ऐसे बाहर किधर भी क्लिक करो और उसको ज्वाइंट कर दिया इधर से। हो गया ज्वाइन। बाद में क्या करोगे, सेप टू लेने गए है ना, क्या कर दिया, सेप टू लिया, थोड़ा इसको जूम करते प्रॉपर बैठने के लिए। क्या करोगे, इसको जूम करो, अभी थोड़ा एडजस्ट करते उसको। देखो सेप टूल से प्रॉपर अरेंज किया ना, हो गया। नीचे से भी प्रॉपर करने का है, इधर से भी आप प्रॉपर कम ज्यादा कर सकते हो उसको ही। देखो ठीक है, समझेगा। अभी क्या करने का, देखो ये पोर्शन बीच वाला पोर्शन नहीं चाहिए ना हमें, तो उसको कट करना पड़ेगा। तो कट करने के लिए क्या करते हैं, यही दोनों को सिलेक्ट करो सिर्फ। कट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, ट्रिम। कट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, ट्रिम ऑप्शन। देखो हो गया कट, अभी इस पॉइंट को डिलीट करो। अरे अभी इधर देखो कैसे दिख रहा है, थोड़ा सर्कल जैसे दिख रहा है ना, तो क्या करेंगे हम, इसके ऊपर एक सर्कल रखते हैं छोटा सा। देखो सपोज रख दिया इतना सर्कल, अब ये सर्कल में से क्या करने का, उसको कट करने का है। तो कट कैसे करोगे, मालूम है ना, कट करने के लिए क्या करोगे, ये दोनों को सिलेक्ट करो, और कौन सा ऑप्शन यूज करने का है, ट्रिम, हो गया। अभी क्या करते हैं, बी को भी सिलेक्ट करते, इसको भी प्रॉपर रखते इधर है ना, इसको भी थोड़ा अरेंज करो। नीचे ड्रॉ किया थोड़ा, बैठ गया। अभी इसको भी सिलेक्ट करके क्या यूज करोगे आप, ट्रिम ऑप्शन, क्योंकि देखो ये नीचे वाला पॉइंट बराबर नहीं दिख रहा ना इधर, तो इसलिए क्या करोगे, इसको भी सिलेक्ट करो सबको, और कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, ट्रिम। देखो गया, समझेगा। अभी सर्कल को डिलीट कर दिया, अभी इसका एक ग्रुप बना दो, इसको सिलेक्ट करो, अरेंज में आके क्या करने का है, ग्रुप, समझ रहे। अरेंज में आके क्या कर दिया हमने, ग्रुप बना दिया इसका। अभी इसके जैसे बनाने का रहेगा तो क्या करोगे, इसमें जाए तो एक ड्रॉ करो, दिख रहा ना इधर से रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद क्या करो, इसके अंदर कलर फिल करो, आया जो भी कलर जो आप फिल कर सकते हो। बाद में क्या करोगे, बी वाला अंदर ड्रैग करने का इधर से। अभी बी वाला पीछे गया ना, तो इसको पीछे डालने का, तो क्या करोगे, अरेंज ऑर्डर टू बैक। देखो ये हो गया इतना, इसके अंदर कलर व्हाइट देते इधर, समझे ना, पहले से व्हाइट कलर दिया तो भी चलेगा। दे दिया कलर व्हाइट, अभी थोड़ा साइज कम ज्यादा कर दे, तो शिफ्ट बटन दबाने का है और कॉर्नर से खींचने का इधर से ऐसा। देखो रखो इधर जिधर भी जाए उधर है, और नीचे क्या लिखोगे, सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा आएगा समझाने के लोगों, समझे ना, नीचे लिखने के लिए आएगा ना आपको। नीचे क्या करने का है, सिर्फ लिखने का बैंक ऑफ बड़ौदा करके,
आएगा समझ में? क्या क्या किया था पहले? बी निकाला था, करो ना उसका एक डुप्लीकेट कॉपी किया, करोगे इतना? यही आपको क्या करने का, और एक बार देखने का है, समझे ना? यही वीडियो क्या करोगे आप, एक बार और देखो तो आप इसलिए इजीली बना सकते हो। करोगे इतना? करो इतना प्रैक्टिस।